फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निशा किचन चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त निशा तनवर। रोज की तरह आपके साथ मैं एक रेसिपी शेयर करती रहती हूं। आज भी मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूं। नई तो नहीं है, लेकिन हाँ, स्पेशल जरूर है, क्योंकि वो रेसिपी बहुत खास है जो फ्रेंड्स और बहुत ईजी है बनाने के लिए। तो हम जानते हैं कि हम कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो रेसिपी का नाम है सोया चंक्स कीमा रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, हम सोया चंक से कीमा बनाएंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत इजी है, और इसे आप अपने घर पर बहुत ही आराम से बना सकते हैं। और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके घर में अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कैसे बनाया जाता है सोया कीमा रेसिपी। तो हम जा रहे हैं सोया का कीमा बनाने। तो सोया कीमा बनाने के लिए हमें सोया बीन्स की ये वड़ियां बोलते हैं, इसे चंक्स, सोया चंक्स भी बोलते हैं, जो आप बढ़िया बोल सकते हैं, ये चाहिए हमें। और छोटी या बड़ी किसी भी साइज़ में आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज़ की ले रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसे गर्म पानी में सोक कर देंगे। तो मैं गर्म पानी मैंने किया है और मैं इसे अब सोक कर रही हूँ। तो गर्म पानी में मैंने डाल दिया, आपके सामने डाला है। इसे हम 15 मिनट के लिए सोक करेंगे, ऐसे ही ढक कर छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। वो 15 मिनट हो चुके हैं, इतनी देर हो चुकी है, सोया चंक्स को हमने सोक किया हुआ है, 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे देख चेक कर रही हूँ कि हो चुके हैं या नहीं। ये देखिए हो चुके हैं। बस हमें ऐसे स्क्वीज करके इसे सारा पानी इनमें से निकाल देना है। इसे अच्छे से 2 या 3 बार मैं वॉश करूँगी, पहले पानी से, नॉर्मल पानी से भी। उसके बाद हम इसे ऐसे करके ना मुट्ठी में लेके ऐसे स्क्वीज करके सारा पानी इसका हम निकाल देंगे। तो मैं इसका पानी निकालने के बाद आपको मिलती हूँ। तो मैंने इसमें से पानी अच्छे से निकाल दिया है, आप देख सकते हैं, दबाकर इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, वरना आपके जो है कीमा जो है वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं मिक्स ग्राइंडर की तरफ। ग्राइंडर में हम इसे बारीक से पीस, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा हम इसे घुमाएंगे और एक इसका जो है चूरा बना देंगे, यानी कि पाउडर सा बना देंगे। पाउडर तो नहीं बनेगा क्योंकि हल्का गीला तो रहेगा ही। पर अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बना देंगे, पेस्ट फॉर्म में ही आएगा वो। तो मैं आपसे मिलती हूँ इसको ग्राइंड करने के बाद। देखिए मैंने अपने सोया चंक जो है ग्राइंड कर दिए हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं किए, दरदरा सा रखा है मैंने, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो ये चिपक जाएंगे मिक्सी में, और वो हमारा जो कीमा है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन कर लीजिए और कढ़ाई रख लीजिए अपने चूल्हे पर। तो अब हम आ चुके हैं गैस के पास। तो मैंने ये कढ़ाई ले ली है और गैस ऑन कर दी है, और साथ ही मैंने कम से कम चार बड़े चम्मच सरसों का तेल मैंने इसमें डाला है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसमें तेल जो है थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, ऑयल आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी जो ये रेसिपी है बहुत अच्छी बनेगी। बहुत ईजी सी रेसिपी है और जल्दी बन जाएगी। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि तेल जो है सरसों का तेल है और इसे अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और इससे धुआं भी निकल रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा तेल गर्म हो चुका है। मैं मीडियम फ्लेम कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम इसमें मसाले डालेंगे तो वो चटक भी सकते हैं एकदम से, और बहुत गर्म तेल है। हल्का सा मीडियम या लो फ्लेम पर मैं यहाँ कर रही हूँ, और जो जो मसाले मैं डाल रही हूँ आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ। तो आप देखते रहिए। मैं एक, ये देखिए, एक सूखी लाल मिर्च ली है और इसे तोड़कर मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये खड़े मसाले हैं दालचीनी, और एक है बड़ी इलायची, बस मैं इतना डाल रही हूँ। आप और जो है सूखे मसाले, खड़े मसाले इसमें डाल सकते हैं आप चाहें तो, अपने अकॉर्डिंग, अपने पसंद के हिसाब से। तो ये मैंने डाले हैं। अब हम इसके साथ साथ ही इसमें ये मैं यहाँ पे ये 2 या 3 हरी इलायची यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें ज़ीरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़ीरा डाल रही हूँ कम से कम 2 बड़े चम्मच यहाँ पे, 2 छोटे चम्मच सॉरी, जो मसालेदानी में आपके चम्मच स्पून होते हैं ना, बस वही 2 या 3 यूज़ कर रही हूँ मैं। ज़ीरा मुझे वैसे भी पसंद है तो मैं ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। तो ज़ीरा डालने के बाद मैं अब इसमें, क्योंकि ज़ीरा जल्दी से हमारा भुन जाता है, गर्म तेल भी बहुत अच्छे से गर्म है, तो मैं ये प्याज, 2 बड़े प्याज मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काटे थे, 2 या 3 हरी मिर्च मैं यूज़ की है, और 1 या 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने इसके साथ ही बारीक बारीक काट लिया था। आप चाहे तो इन चीज़ों को अलग अलग काट के भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ कट कर ली थी और इसमें मैं ये डाल दी हूँ। अब हम इसे
पकाएंगे जब तक हमारा प्याज जो है हल्का ब्राउन ना हो जाए। अब हमने प्याज इसमें डाल दिया, तो थोड़ी सी मीडियम फ्लेम में यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया था, क्योंकि हमने मिर्च डाली है, खड़े मसाले डाले, तो वो शायद वो जल भी जाते हैं, तो उसकी जो फ्लेवर्स है वो हमें उतना नहीं मिलता। क्योंकि सरसों का तेल हम डाल रहे हैं, तो सरसों का तेल जो है अच्छे से हमें उसे बहुत हॉट जो सॉरी जो बहुत तेज आंच पे जो है हमें वो गर्म करना पड़ता है। और ये देखिए अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे, ताकि प्याज जो है हमारा थोड़ा अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए मैंने ढक्कन उठाया है अभी अभी, और ये देखिए चेक कर दिया, प्याज हमारा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे मैंने ये दो टमाटर मीडियम साइज़ के लिए, आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं, मैंने थोड़ा हल्के मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है, और इसमें टमाटर हमने ऐड कर दिए। अब टमाटर के गले तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे, ताकि ये टमाटर जो है इसमें अच्छे से गल जाए। करेंगे आँच, जो गैस की आँच है वो लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आप रखें, तो मैं इसे ढक देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे ही इसे हल्का सा लो या मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। अब हम डालेंगे जो मसाले इसमें डालेंगे, वो मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। एक चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, ये धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ कम से कम एक चम्मच, और गर्म मसाला यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर एक चम्मच। तो ये सभी मसालों को हम फिर से कुक करेंगे अच्छे से। तो आइए देखते हैं हमारा टमाटर जो है और मसाले जो हमने डाले थे वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए टमाटर भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे इसको गैस जो है वो थोड़ी बंद कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। इसे करना है हमें बिल्कुल ठंडा, और ठंडा होने पर हम इसमें डालेंगे कर्ड यानी कि दही, कम से कम आधा कप दही हम डालेंगे। खट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, हम दही डालेंगे, लेकिन दही जो हम डालेंगे वो इस पर ठंडे होने पर ही डालेंगे, इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें दही डालेंगे। देखिए हमारा ठंडा हो चुका है काफ़ी हद तक। ये देखिए ये जो मसाला हमने टमाटर डाला था मसालों के साथ, ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये मैं एक कप यहाँ पर ये देखिए आधा कप यहाँ पर मैं दही का इस्तेमाल करें, दही मैंने फेंट ली अच्छे से तो मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप ठंडे में डालोगे ना तो ये फटेगी नहीं, अगर आप गर्म में डालोगे तो ये फटने लग जाएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी फिर आप दिखने में। ये देखिए मैंने ठंडे में डाली है, ये इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, बस अब थोड़ी देर में हम गैस भी ऑन करेंगे। अच्छे से पहले हम मिक्स कर लें इसे, ये देखिए मिक्स कर लिया है हमने, और मैं गैस ऑन कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने फ्रोजन मटर यूज़ किए, थोड़े से मटर हैं, मतलब आधे कप से भी कम लिए। आप अपने जो है टेस्ट के हिसाब से, यानी कि कम ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है मटर डालना तो आप ज़्यादा मटर यूज़ कीजिए, या ऑप्शनल है आपको वेजिटेबल जो भी आपकी आपकी पसंद फेवरेट वेजिटेबल्स हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं मटर यूज़ कर रही हूँ, थोड़े से मटर मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं मैं डाल रही हूँ। तो आप ये फ्रोजन मटर है और एक दो मिनट में ये कुक भी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम पहले यहाँ मटर को अच्छे से कुक करेंगे और ढक्कन लगा देंगे एक डेढ़ मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे ये लिड लगा देती हूँ इसकी, और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे एक या डेढ़ मिनट में। तो एक डेढ़ मिनट हो चुका है, देखते हैं हमारे फ्रोजन मटर कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं। ये देखिए हमारी जो ऑयल भी छोड़ दिया है, हमारे जो मसाले थे यानी कि जो भी हमने यहाँ पर ग्रेवी बनाई थी ये उसने ऑयल छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और जो मटर हमने डाले थे वो भी अच्छे से कुक है, ओवर कुक हमें इन मटर को नहीं करना है, बस हल्का सा भुनना था एक डेढ़ मिनट के लिए हमें इन्हें मसालों के साथ, इन्हें भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें अपना जो ये मैंने आपको बताया था ना पाउडर बना दिया है, जो सोयाबीन्स की हमने चंक्स लिए थे उसके हमने ये पाउडर बना दिया, वो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है और क्विक बन जाती है, आपको कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं। और मैं वो सब चीज़ें बता रही हूँ जो आपके घर में अवेलेबल है, आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी मसाले
सभी के घरों में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मटर भी सबके घर में, अगर आप मटर डालना चाहें, यह ऑप्शनल है वैसे, मटर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। और दही भी ऑप्शनल है, दही के बजाय आप टमाटर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि दही से जो है इसमें हल्का सा खटास आती है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब हमारा एक मेन इंग्रेडिएंट जो हम तो भूल ही गए थे, वह हम डालेंगे इसमें नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें, तो मैं भी यहाँ पर नमक 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। कम खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। तो ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप कहेंगे कि हाँ वाकई में ये रेसिपी बहुत बहुत लाजवाब बनी है। और जो चंक्स होते हैं वैसे भी खाने में अच्छे होते हैं, सोयाबीन्स खाना अच्छा होता है। तो ये मैंने रेसिपी बनकर हमारी रेडी है, अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो ये तैयार है, तो ये देखिए हमारी कीमा की रेसिपी बनकर तैयार है। अब हम इसे गार्निश करेंगे, कुछ हरे धनिए की पत्तियां जो है वो इसके ऊपर डालेंगे, और कुछ मैंने गार्लिक के पीसेस, सॉरी जिंजर के पीसेस काट के रखे हैं लंबे लंबे टुकड़ों में, आप अपने मनचाही शेप में काट के रखें, वो मैं इसके ऊपर से, ये देखिए जिंजर के पीसेस हैं और ये मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत यम्मी बनी है। अक्सर मेरे घर पे ये रेसिपी बनती रहती है, तो मैं इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जल्दी ही आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।